इसी से जुड़ा हुआ। भारत के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, उनके मन में ख्वाब है, बताते नहीं हैं कि उनको भी मोदी जैसा लीडर बनना है। तो आपकी ये जो रेयर क्वालिटी है, एक तो है सेल्फ टॉट लीडरशिप की, दूसरी है आप जिन्होंने आपसे डील किया वो बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड लिसनर हैं, आप सुनते बहुत हैं लोगों को। और ये आप इस यूथ को क्या कहेंगे कि उनको आप जैसा बनना हो तो क्या करें? मैंने एक काम किया था कोविड के समय, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, मैंने नौजवानों को रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, घर में हो, आजकल मोबाइल कैमरा वगैरह अवेलेबल है और घर में दादा दादी भी हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग, उनका इंटरव्यू कीजिए कि वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसा होता था, उनके समय शादियां कैसे होती थी, पहले जब घर छोटे होते थे मेहमान आते थे कैसे रहते थे, पहले 12 5 5 7 7 दिन रहती थी तो कैसे रहते थे। मैंने उनको कहा था पूछो क्या होगा इसे, ये अपने परिवार के लोग कैसी जिंदगी जीते 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 यहां पहुंचे हैं, तो आप उसे कनेक्ट करोगे। मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों ने आजादी के भारत बाद भारत की विकास यात्रा कैसे चली है इसको खोजना चाहिए, खोजी मन से कि पहले कैसा होता था भाई, कोयले वाली ट्रेनें चलती थी तो कोयला कैसे आता था, कोयले वाली ट्रेन चलती थी तो कोयले वाली ट्रेन चलाने वाले वो अंदर कैसे इतनी आग में रहते थे, जरा देखो तो एक एक चीज को समझने की ओर। जो नौजवान इस 75 साल की यात्रा को जानना समझने का प्रयास करेगा तो वो आगे की यात्रा का वो हिस्सेदार बनेगा, उसमें से उसमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी, उसको लगेगा कि मैं इसमें वैल्यू एडिशन करूं, मेरे आगे के लोगों ने इतना किया है मैं कुछ काम करूं, ये उसका इंस्पिरेशन बनेगा। दूसरा, बनने का ख्वाब लेके चलेगा तो कभी निराशा जल्द आ जाएगी, कुछ करने का इरादा लेकर के निकलेगा तो करते 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 संतोष धीरे 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 संतोष का विस्तार होता जाएगा, और जो संतोष का विस्तार है ना वो सामर्थ्य का विस्तार बन जाता है और वो उसको लीडर बना सकता है। और मैं तो चाहता हूं देश में वैसे ही लीडरशिप जितनी ज्यादा निकले उतना देश का लाभ होगा।